के साथ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रवंशी गोप समिति सावन के प्रथम सोमवार पर 11 सदस्यों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए समिति का प्रतीक चिन्ह पीतल के ध्वज व डमरू के साथ 11 लोग बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने जाएंगे। इस संबंध में चंद्रवंशी गोप समिति के वर्तमान अध्यक्ष लालजी यादव ने बताया कि जलाभिषेक की शुरुआत 1932 में हुई थी, उस समय जब भारत देश के अंदर अकाल आया था और पशु पक्षी जल बिना मर रहे थे। तब बनारस के यादव समाज के सरदार स्वर्गीय भोला सरदार व स्वर्गीय चुन्नी सरदार ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और जलाभिषेक उपरांत ही जबरदस्त जोरदार बारिश हुई थी, तब से जलाभिषेक अनवरत किया जा रहा है। डीएम सिटी, एसपी सिटी और बनारस के लोग, थाना थानेदार, जिस मार्ग से हमारी जलूस गुजरती है उस पांच थाने के थानेदार और उन्होंने मिलकर एक मीटिंग हमारी कल हुई थी एसपी सिटी ऑफिस में। उसमें यह तय हुआ कि 1932 की जो परंपरा हमारी है, 1932 की जो परंपरा को हम लोग निर्वाह करने जा रहे हैं, प्रशासन और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के मिलकर ये सहमति बनी कि पिछले साल 11 आदमी को मिला था, 19 कोविड को देखते हुए इस साल 11 आदमी को मिला, जिसमें पीतल का झंडा और डमरू सहित हम लोग 11 लोग रहेंगे और जो हम लोग अपनी परंपरा को केदार घाट से जल भरकर हम लोग केदार घाट में जलाभिषेक करेंगे, फिर वहाँ से जल लेकर तिल भांडेश्वर जलाभिषेक करेंगे, फिर वहाँ से आ गए मान मंदिर, वहाँ जल लेकर आयलेश्वर महादेव, दशाश्वमेध जल लेकर माता शीतला और फिर दशाश्वमेध से जल लेकर हम लोग डेढ़सी के पुल सिंह द्वार द्वारा डुंडराज गणेश होते हुए हम लोग अपना जलाभिषेक करेंगे बाबा विश्वनाथ। अब प्रशासन और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बीच में यह सहमति बनी है कि ललता घाट का मार्ग जो अवरुद्ध है वहाँ जाने लायक नहीं है। जहाँ से यादव बंधु नीलकंठ द्वार से ललता घाट जाते थे जल लेने के लिए, तो वहाँ इस प्रशासन से तय हुआ, पिछले साल हमको जल प्रशासन ने वहाँ दिया था, इस साल भी प्रशासन ने कहा कि मैं 2 कंडाल आपका जल भरवा दूंगा, उस जल को हम लोग लेकर फिर वहाँ से हम लोग आएंगे छत्ता द्वार पर, जो अपनी परंपरा पुरानी 1932 का है उस पर हम लोग अपना कपड़ा निचोड़ेंगे, कपड़ा फटकारेंगे, फटकारने के बाद जो परिक्रमा होती है हम लोग करने के बाद वहाँ से निकलकर हम लोग आएंगे महामृत्युंजय मंदिर, उसके बाद वहाँ जलाभिषेक करने के उपरांत हम लोग आएंगे गाय घाट जल भरकर त्रिलोचन महादेव पुनः वहाँ जल भरेंगे। वहाँ जल भरने पर आधा जल ओम कालेश्वर महादेव और आधा जल लाट पर हम लोग भरने का काम करेंगे। लाट पर हमारा आखिरी है, हम लोग काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों का जलाभिषेक करते हैं, उसमें एक माता शीतला जी हैं, बाबा लाट भैरव पर हमारा आखिरी। सच के साथ।